हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं क्रिक कॉमेडी 56 पाक वर्सेस बांग्लादेश सीरीज, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और ये अरसलान नसीर का लेटेस्ट वीडियो है जिसमें बांग्लादेश के बारे में हमें पता है कि पाकिस्तान के बारे में पता है हमें कि पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली है। 3 मैचेस की सीरीज थी, 2 मैचेस जीत कर अपने नाम सीरीज कर लिए और एक फॉर्मल मैच शायद रह भी गया है तीसरा। चलिए देखते हैं इसमें क्या कॉमेडी कर रहे हैं को लेकर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की जो T20 सीरीज हो रही है उसके बारे में। 2 दिन के अंदर उन्होंने 2 मैचेस करा दिए। मेरा ख्याल में इनको चाहिए था कि 1 दिन के अंदर ही दोनों मैचेस करा देते क्योंकि सीरीज का क्या फायदा है इस तरह। तो भाई कोई तमीज तरीका होता है, कोई हाइप होती है, कोई मार्केटिंग होती है, पता नहीं कौन स्केड्यूलिंग करते हैं। 2 दिन के अंदर वो कर दिया, संडे को जो उन्होंने ऑफ रखा है उसके बाद मंडे को एक मैच होगा, वो भी अब डेड रबर होगा। तो यही होता है, 2 मैचेस जो होते हैं वही क्रूशियल होते हैं 3 मैचेस की T20 सीरीज के अंदर। लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल आगे पीछे कर दिए। ऐसा करते कि सुबह फजर के वक्त इनको बुलाते टीम्स को और तीनों मैचेस एक ही दिन में करा लेते, ये सबसे बेहतरीन स्केड्यूल होता। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो ये सीरीज जीत चुके हैं और पहले दोनों मैचेस उन्होंने जीते। पहले वाले मैच के अंदर हम बहुत ही किल के हम तड़प रहे थे, लेकिन दूसरे मैच के अंदर हम फिर भी जीत गए क्योंकि वही हुआ जिसका पहले भी डर था कि यहाँ की जो पिचेस हैं वो अजीब मखलूक की पिचेस बनाई, पता नहीं कौन से एलियंस के लिए पिचेस बनाई जाती हैं। और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी अवे टीम होती है वो पहले जो है इसके ऊपर ही कंफ्यूज होती रहेगी और हार जाएगी 1-2 मैचेस के अंदर। पहले मैच के अंदर बिल्कुल इसी तरह हो रहा था, कुछ पैचेस जो थे वो पिच के ऊपर ग्रीन के थे जिसके ऊपर बॉल लगे, ऐसे सीम शूम हो रही थी, पता नहीं किधर किधर निकल रही थी। और दूसरे जो पैचेस थे वो ऐसे थे कि बॉल टप्पा का टखनों में लग रही है। मैं तो कहता हूँ बैटर जो होते हैं ना उनको बैट की बजाय झाड़ू पकड़ा देना चाहिए था इनको, ताकि वो पिच के ऊपर बैठ कर झाड़ू ही फेरते रहे क्योंकि बॉल तो इससे ऊपर जा नहीं रही थी। वो इंटरनेट पर कोई स्टैट भी मैं पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा गया था कि ये पहली टीम है जो हमें 125-126 का रन किसी ने चेस किया है इस ग्राउंड के ऊपर बांग्लादेश के अंदर। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर सकी थी, न्यूजीलैंड भी नहीं कर सका था, इवन बांग्लादेश खुद भी कभी नहीं कर सका था। तो पाकिस्तान में वो पहली टीम है पिछले साल में जितने भी T20 हुए जिसके अंदर इन सबको हरा दिया था। दूसरे मैच में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हो गया जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी को जब छक्का पड़ गया तो उनको तब चढ़ गई, उन्होंने बॉल उठा के नेक्स्ट बॉल जो है सीधा बैट्समैन की पसलियों में मार दिए। यार ये बहुत बदतमीजी वाली हरकत की तुमने वैसे दोस्त, थोड़ा सा अपनी इमोशन जो है ना उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। वैसे भी आप अभी यंग लड़के, मैंने वैसे नोट किया कि कभी कभी शाहीन शाह अफरीदी में ये हल्का सा आ जाता है, ये जो है ना इनके मेरे ख्याल में जो सुसर जी हैं उनकी तरफ से इनको थोड़े जीन्स में मिला है कि थोड़ा फिर जाते हैं। ये हरकतें जो हैं इनकी, ये दिमाग का जिस तरह फिर जाना, ये किसी टीम को भी बड़ा नुकसान कर सकती है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये बॉलर हैं तो वो ऐसे मौके जो है थोड़े कम ही आते हैं। बैट्समैन अगर होते तो वही हाल होता जो होता रहा है इनके सुसर की वजह से हमारी टीम का। अच्छी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने फौरन जाके जो है वो माफी भी मांग ली इनसे, और ना सिर्फ यहां पर माफी मांगी बल्कि जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद भी इनके पास जाके उन्होंने माफी मांगी, और शुक्र अंग्रेजी में मांगी ताकि बाकी लोगों को भी समझ आ जाए। Sorry. छक्के खाने की थोड़ी सी आदत डालो शाहीन बाबू, बॉलर है, बॉलर को भी पड़ता है छक्का, कोई बाहर छल्ली बेचने वाले को तो पड़ेगा नहीं। सही वैसे पता नहीं किस तरह पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत गई, वरना मैं तो वही जिस तरह पिछली सीरीज हुई थी जो वर्ल्ड कप की हुई थी उस दिन हम कहते थे ना कि टॉस के ऊपर ही मैच दे दिया करो, उस तरह बांग्लादेश के अंदर तो किसी टीम को बुलाई ही ना करो, बस जो भी अवे टीम है उनको वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा दिया करो कि हारने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, और बस बंगालियों को आप ट्रॉफी दे दिया करें क्योंकि सारी कंडीशन इन्हीं को सूट कर रही होती है। पता नहीं इससे क्या फायदा हो रहा है बांग्लादेश क्रिकेट को। लेकिन सबसे जो ह्यूज शाउट आउट है ना वो तो मेरे ये जो बांग्लादेशी कमेंटेटर्स है ना उनके लिए, इतनी बायस्ड कमेंट्री यार मैंने कभी मेरा ख्याल लाइफ में नहीं सुनी होगी। मैं टीवी जो है उसको म्यूट पर करके देख रहा हूं क्योंकि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मेरी नाक से नकसीर तो नॉर्मली फूट जाती है, मेरे कानों से भी खून निकलना शुरू हो गया। तो प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है यार, आप लोग जो है कमेंट्री कर रहे हैं, आपको अपने लिविंग रूम में तो बैठे भी नहीं है कि आप ऐसे नारे लगा रहे हैं करते हुए, अच्छा, कुछ हो गया वो बॉल को कनेक्ट ही करते हो, व्हाट अ शॉट, आगे जो है वो सिंगल भी नहीं बन रहा होता, अजीब पागल मुंह से थूक निकल रही, चीखे मार रहे हैं, अजीब पता नहीं किस किस्म के कमेंटेटर बिठाए हुए यार, पता नहीं वो बंदा मुझे कह रहा था यार इनकी कमेंट्री देखे तो अपना वो जो बाजत खान है ना वो भी अच्छा लगना शुरू हो गया। पहला T20 जो था उसके अंदर क्या जबरदस्त हिटिंग की थी हमारे शेडी एंड नवाज ने, यार नवाज जो है ना बड़ी जबरदस्त फाइंड है, इस बेचारे की टीम में इतनी जगह बन नहीं रही क्योंकि इमाम हुसैन भी बहुत ही बेहतरीन आपका पावर प्ले के अंदर बॉलर है, बट बेहतरीन बॉलिंग और बड़ा बेहतरीन हिटर भी है। मैं बड़ा खुश हुआ कि इनकी फॉर्म वापस भी आई और पहला जो T20 था वो इन्होंने जिताया हमें। पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। मेरा ख्याल में किसी भी टीम की जो कामयाबी का सबसे बड़ा राज होता है वो होता यही है कि आपके जो बेंच के ऊपर प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड होते हैं प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। और फिर टीम के अंदर भी एक हेल्दी किस्म का कंपटीशन शुरू हो जाता है। हमें तो आदत होगी तो इन प्लेयर्स की जो कि मेरे ख्याल में 9-9 साल खेलते रहे और उनको पता था कि हमारी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है तो आराम से सरकारी नौकरी समझ के खेल रहे थे। पहले T20 के अंदर ये जो फिजू ने बॉल कराई थी ना रिजवान को, आए आए मैं कहता हूं कमाल बॉल थी, इसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इस बॉल को देख के बिल्कुल वॉलीबॉल याद आ गई जो शाहीन शाह अफरीदी ने कराई थी केएल राहुल को। फिर सुना है कि बांग्लादेशी जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई है कि पाकिस्तानी जो है वो जमीन के अंदर पाकिस्तान का झंडा क्यों गाड़ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये ऐसे कौन सी हरकत कंट्रोवर्सी
अगर आपने पाकिस्तान की टीम को बुलाया है तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? कल को आप लोग ये भी कहेंगे कि इनकी जो किट्स हैं वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कहीं चांद सितारा नहीं होना चाहिए, इनको पिंक बारबी डॉल बना के भेजो हमारे सामने, इनका झंडा नहीं आना चाहिए ग्राउंड के अंदर। भाई तमाशाई झंडे लेके ग्राउंड के अंदर आए हुए होते हैं, मुंह के ऊपर पेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के झंडे, ये पता नहीं अजीब किस्म की कोई लॉजिक होगी। खैर, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बांग्लादेश के अंदर, उनकी जो टीम की हमारी बस आया करती थी तो सड़क के साइड पर खड़े होकर उनके ऊपर जो है वो टाटा कर रहे थे, लाते नहीं भेज रही है टाटा कर रहे हैं। उसके अलावा क्राउड के अंदर भी मैंने नोट किया कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान को चेयरिंग भी हो रही होती थी, मेरे तो नहीं ख्याल कि इतने पाकिस्तानी यहाँ से गए होंगे मैच देखने के लिए, बट बहुत ऐसे छक्के चौके आउट होते थे जिसके अंदर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्राउड था जो कि पाकिस्तानियों को भी चेयर करता था। और ये बहुत से लोग जो है सीरीज हारने के बाद इनके तासरात सुने आप। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों एक ही देश, दोनों जन भाई भाई, जे हारुक जीतुक আমাদের কোনো সমস্যা নেই, আমাদের দেশ পাকিস্তানি ছিল দুর্ভাগ্যভাবে, আমাদের পাকিস্তান জিতছে আমার অনেক ভালো লাগছে, আমি পাকিস্তান সাপোর্ট করি, আমি কিন্তু বাংলাদেশ, আই লাভ পাকিস্তান, আই লাভ বাংলাদেশ। सुना कि जो पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस सेशन हुआ करता था उसके अंदर भी नेट्स के बाहर भी बांग्लादेशी जो है वो खड़े होते थे, देख रहे होते थे अपने फेवरेट प्लेयर्स को। थैंक यू वेरी मच यार, क्या लव, इसी तरह लव जो है वो स्प्रेड होना चाहिए इस पूरे रीजन के अंदर, क्योंकि लड़ लड़के तो हमने देख लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, जलील ख्वार ही हो रही पूरी दुनिया के अंदर, मैं ख्याल थोड़ा सा प्यार भी कर लेते। हम वैसे ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद ना सेमीफाइनल अपनी रवायात पर वापस आ चुके थे, पहला T20 जो था हमने बांग्लादेश का जो हम खेल रहे थे उसके अंदर हम पूरी तरह से प्रिपेयर थे कि इसके अंदर हमने हो जाना है जलील, लेकिन ये जो झंडे वाली बात आ गई ना ये बीच में इस तरह से पाकिस्तान के टैरेंट आ गई। पहले T20 के अंदर मैं देख रहा था एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सीन हुआ था, वो ये हुआ था कि बाबर की इतनी खूबसूरत निक हुई थी और किसी ने अपील नहीं की, वो आउट ही नहीं उसको दिया, और उससे पहले कोई हजार मेरे ख्याल में वाइड बॉल हुई थी जिसके ऊपर हर वाइड बॉल के ऊपर हर बॉलर और कीपर ने ये यकजान होकर अपील की थी कि आउट है आउट है आउट है ताकि वाइड ना मिले, और जब आउट हुआ तो किसी ने अपील नहीं की। फिर एक मलिक साहब का भी रन आउट हुआ था, वो तो क्या ही रन आउट हुआ था जनाब, पिच के अंदर सोए हुए हैं, आपकी उम्र होगी क्योंकि अगर आप वैसे 40+ है तो पाकिस्तान में तो वैसे आदत है छोटी उम्र लिखवाने का के अंदर को 4500 साल का आपके एक्सपीरियंस है और भाई ये इस किस्म की आपकी मैच अवेयरनेस। फिर वो हमारे ऑस्ट्रेलियन कोच जो है हेडन वो भी वापस चले गए, लेकिन वहां से जाके भी पाकिस्तान को देखो खुश करना है ना तो बस सिर्फ एक काम करना है, वो ये करना है कि दिल दिल पाकिस्तान गा लें या फिर कोई भी जो है ना देसी लैंग्वेज में कोई भी बात करने लोग जो डुल जाएंगे पागल हो जाएंगे पाकिस्तानी, तो उन्होंने भी ट्वीट कर लिया। खैर वेरी स्वीट ऑफ हिम, उन्होंने कहा कि जी मेरा दिल जो है वो पाकिस्तानियों के साथ है, मैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हूँ। और टीम बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, पता क्या इसी तरह होना चाहिए कि जो कोचेज है ना वो कोचेज की तरह ही होने चाहिए, वो सेलिब्रिटीज नहीं होने चाहिए। हमारे तो जितने भी कोच थे वो खुद बन जाते थे सेलिब्रिटी के, भाई मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, सही था बात है, अभी भी हूँ, और तुम सब जो वो भी बच्चे हो मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह करना है, इस तरह नहीं काम चलता, इनको जरा सुपरस्टार बनने दें, उनको जो है सेलिब्रिटी बनने दें। हमारे जितने भी कोचेज आते हैं इस किस्म के जो सुपरस्टार बने हुए होते हैं बेड़ा गर्क हुआ होता है, पता लग रहा है कि टीम के अंदर जो कंट्रोल है वो कप्तान का है और वो ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा है। तो इसी तरह चलो यार, हमें कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए, अगर ऐसा कोई कोच चाहिए तो वो शरीफ से चाहिए जो कि साइड पर बैठा रहे, बस अपने काम से काम रखे। एंड मेरे शेर हसन अली ने क्या कमबैक किया, ड्रॉप कैच के बाद उसने आगे जो मैच खेला है उसके अंदर बॉय ने मैन ऑफ द मैच भी ले लिया, क्या कोई सेंड ऑफ वगैरह नहीं है वैसे, अरे बदतमीजी इतना भी नहीं ओवर होना चाहिए, उसके ऊपर इनको फाइन भी हुआ है, लेकिन बॉय का जो है वो कमबैक हो गया। बॉय ने कोई पेस के साथ बॉलिंग की, ये देखो 219 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे उसने बॉलिंग करानी शुरू कर दी, पता नहीं कौन सी स्पीड गन्स हैं ये यार, उधर शुएब अख्तर बेचारे को उल्टियां लग गई ये देख के, स्पीड गन्स हैं ये, पता नहीं कोई नशाई जो है उसको बिठाया टाइप कर रहा है। खैर एक और खबर ये है कि टिम पेन है उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनके कुछ गंदे किस्म के टेक्स्ट जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहे थे वो पकड़े गए, वो लीक हो गए। तो ये इस किस्म की तो हरकतें होती हैं, देखो बात सुनो, ये जो है ना एक तो शादीशुदा तो ऊपर से गंदी हरकतें तुम कर रहे होते हैं लड़कियों के साथ, ये अल्लाह माफ करे, ये किसी का भी आसान, देखो मुझे तो ये समझ नहीं आता है रिटायरमेंट क्यों लिए यार, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज लीक हो रही थी वो कहते हैं मैं हुई ही नहीं, ये फेक है सब, और लोगों की वीडियोज लीक हो रही थी वो कहते हैं मैं हुई नहीं, मेरी शक्ल जोड़ के किसी और के ऊपर लगा दी गई, ये गोरे जो है ना बहुत ही बेवकूफ लोग हैं। हम तो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं 2-1 हफ्ते जो है वो चुप हो जाओ, इसके ऊपर कोई बयान ही ना दो, 2 हफ्ते के बाद कोई नया स्कैंडल आ जाएगा तो लोग सब भूल जाएंगे इसके बारे में। ये ऑस्ट्रेलियंस भी जाना इनकी भी कॉन्ट्रोवर्सी खत्म ही नहीं होती, हर 3-4 महीने के बाद कोई नया एक शोशा छोड़ देते हैं, भी ऐसे जा रही है उससे पहले टीम पे इनका कप्तान है वो साहब भी चले गए हैं, लेकिन हमें टीम का हिस्सा तो वो है वैसे, और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, जूतों से बीयर पीने वाली कॉम जो है तो वो उनके साथ यही होना है। खैर जो डिविलियर्स है उसने भी अनाउंस कर लिया कि मैं जो है रिटायरमेंट कर रहा हूँ क्रिकेट से, तो यार वैसे तू क्रिकेट खेल ही कौन सी रहा था, तू आईपीएल ही खेल रहा था, साल में 1-2 महीने काम कर रहा था तो उसमें भी अच्छे पैसे बन रहे थे, तूने पता नहीं क्यों रिटायरमेंट ले लिए, वो इतने खुश थे आरसीबी है जो भी टीम के अंदर ही है वो तो बस पागल हुआ, वह कोहली तो कहता है मैंने इसके बगैर खेलना ही नहीं है, तो दोनों की यारी दोस्ती भी चल रही, करण अर्जुन बने हुए थे वहाँ के, तो पता नहीं क्यों उसने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन यार क्या जबरदस्त प्लेयर था जब ये खेला था, वो गेल भी चला गया, गेल ने तो अनाउंस में खाना कर दिया, ये कह दिया कि नहीं मैं तो वापस इधर ही भाई, तू यार चूस ले, तू सारा चूस ले, जब तक ये ड्रॉप नहीं होना शुरू हो गया ना इन लीग क्रिकेट से इसने छोड़ना ही नहीं, अच्छी बात है यार बनाओ पैसे बनाओ जब तक बन रहे। बॉलीवुड में इतने एक्टर थे जो कि मेरे ख्याल में 60-60 की उम्र में जो है ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, पागलों की तरह नाच रहे होते हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं उन्होंने। खैर दूसरी तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड की भी सीरीज हुई है जो कि मैंने देखी है और मैं चाहूंगा कि उसके बारे में बात करूं। पहला मैच जो फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था उसके अंदर न्यूजीलैंड ने कुछ थोड़ी बहुत कमबैक कर लिया था, थोड़ी फाइट वगैरह भी की थी, लेकिन वो भी बहुत ही बीच में आके 3-4 छह
6 ओवर उन्होंने कराए थे। दूसरे मैच में फिर जो है न्यूजीलैंड को उनकी औकात याद दिला दी गई है, इंडिया ने ऐसे लताड़ लताड़ के मारा है, वो जो वहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर जो उनके ऊपर प्रेशर था उन्होंने बिल्कुल वापस उंडेल दिया है बेचारे न्यूजीलैंड के ऊपर, सारा गुस्सा उन्होंने न्यूजीलैंड के ऊपर ही गुजारा है। पहले बेचारे फाइनल हार के आए हुए, ऊपर से हमसे भी हार गए थे, यहाँ से भी जलील होकर गए। मैं तो कहता हूँ इनको और जलील होना चाहिए, बल्कि ये मुझे बताओ कि इनको हमारी तरफ से क्यों नहीं कोई ईमेल जा रही है, यहाँ से कोई बंदा बैठ जाए, कोई बशीर बशीर ईमेल कर दे, इनको भी डराए वहाँ से, बल्कि डर रहे उनके ऊपर हारते भी रहे और डर डर के हारते रहे। ये बंदा भी जो है वो ग्राउंड के अंदर घुस गया था, इसने आके जो है वो कोहली साहब के चरण छूने की कोशिश की और फिर उनसे ये भी पूछा कि क्या यहीं पर वो शाहिन शाह अफरीदी ने बॉल मारी थी। खैर बड़ा ही जबरदस्त किस्म के वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, मैं तो देख रहा था कि थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा। इंडिया को इंडिया के अंदर हराना बहुत ही मुश्किल है वैसे भी, पता नहीं न्यूजीलैंड जो है वो भी नॉकआउट में आके कुछ बन जाते हैं अचानक जो है एक बीच में, वो भी मैंने बताया था ना बिरयानी के अंदर इलायची की तरह होती है, बस आके जो है सारी मजेदार जो टीम होती है उनको नॉकआउट कर देती है और फाइनल में आके गांधी करना होता है। तो खैर जो भी हो बड़ा बुरा हो रहा है बेचारों के साथ। ये वैसे जो पांट है या पैंट जो भी नाम है इनका भाई, इनकी जर्सी को क्या हुई है, अपने बड़े भाई की पहन के आए। खैर बॉय ने बड़ी कोई हिटिंग शिटिंग की है, पहले मैच के अंदर भी चौका मार के उन्होंने मैच खत्म किया था और दूसरे मैच के अंदर भी छक्का मार के उन्होंने मैच को जो खत्म किया था स्टाइल के साथ वो फिनिश करना शुरू हो चुके। अश्विन भी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मुझे तो बस ये समझ नहीं आती कि अश्विन को टीम से बाहर क्यों रखा जाता है, इसकी जगह क्यों नहीं बनती टीम के अंदर जो इसको फाइट करना पड़ता है दोबारा अंदर आने के लिए। मुझे नहीं पता कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है, अगर कोई लोग जानते हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि इनकी आपस में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, अश्विन की जगह क्यों नहीं बनती हमेशा टीम के अंदर। मेरा ख्याल में तो मैं इसको उनका बेस्ट स्पिनर मानता हूं। इंडियन टीम के अंदर बहुत ही मेजर किस्म की गलतियां आ गई हैं, जिसके अंदर उनके कोच जो हैं वो भी चेंज हो गए हैं, ड्रैविड जो है वो आ चुका है और कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा हो चुके हैं, जो मैं जितना बड़ा फैन हूं ना ड्रैविड का, मेरे ख्याल में शायद ही कोई होगा, क्योंकि इस बंदे में क्लास है, ना सिर्फ उसमें टैलेंट है और परसिस्टेंस है, बल्कि उसमें क्लास है, डिसिप्लिन है, और वो यही जो एक बड़ा सेलिब्रिटी होता है ना, जो एक बड़ा स्पोर्ट्समैन होता है, वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। और ये मेरे ख्याल में वही थी चीज जो कि लैक कर भी रही थी इंडियन टीम के अंदर, क्योंकि वो अगर परफॉर्म अच्छा भी कर रहे थे तो उसके बाद इतना ओवरडू कर लिया करते थे, लोग जो है ना वो थोड़े से पुट ऑफ हो जाया करते थे कि यार इतना ज्यादा क्यों शो ऑफ कर रहे हो, टेक इट इजी। ठीक है सेलिब्रेशन एक तरफ होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो ना थोड़ा ओवरडू हो रहा था, ज्यादा ही बॉलीवुड स्टाइल की अप्रोच आ चुकी थी। मेरा ख्याल में ड्रैविड की वजह से वो चेंज हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। वैसे और कुछ हो ना हो, शर्मा के कप्तान बनने के बाद एक चीज तो कन्फर्म हो चुकी है कि भाई टीम अब टॉस जीता करेगी। कोहली बेचारा जो मर्जी अचीव कर ले, मासूम ने कभी टॉस जीतना जो है वो नहीं सीखा। आजकल क्रिकेट के अंदर तो टॉस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं कहता हूँ जो बंदा जिस जो है ना टॉस स्पेशलिस्ट हो, जिसकी किस्मत अच्छी हो, जुए शुए में अच्छा हो, उसी को बस कप्तान बना देना चाहिए कि यार तू सिर्फ टॉस जीत के आया कर और कुछ मत जीता कर। मुझे उम्मीद है कि आज की क्रिकेट कॉमेडी के एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब को जरूर दबाएं ताकि जो भी मैचेस होते हैं, जो भी सीरीज हो रही होती हैं क्रिकेट की दुनिया के अंदर, आपको उनके ऊपर क्रिकेट एंड कॉमेडी मिलाकर एक एनालिसिस जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। तो क्रिक कॉमेडी 56 का ये एपिसोड बहुत ही जबरदस्त था, मतलब हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त बातें और इन्होंने सारी चीजों को कवर किया है। सीरीज पाकिस्तान जीत चुका है बांग्लादेश से, बांग्लादेश में ऐसा उनका स्वागत हुआ है, वेलकम हुआ है, पब्लिक पागल है, पाकिस्तानी मतलब बांग्लादेशी फैंस कह रहे हैं कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ। तो ये देखकर बहुत ही मतलब सही लगता है। ओवरऑल आप पहला मैच जैसे उन्होंने बताया कि मैंने भी देखा था, तो वो थोड़ा टफ टाइम दे रहा था, विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे पाकिस्तान के पहले में बांग्लादेश के खिलाफ, और लेकिन दूसरा अच्छे से जीत लिया उन्होंने, कुछ भी हो सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान लुटिया डुपा देगी वर्ल्ड कप के बाद, जो उनके अंदर टेंशन भरी हुई है, लेकिन लड़कों ने कमबैक किया है, अली ने कमबैक किया है एंड काफ़ी लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये नहीं कि वर्ल्ड कप हार गए टेंशन है उसी बारे में सोचे पड़े और परफॉर्मेंस ख़राब कराएँ, तो ऐसा नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड को हरा कर इंडिया बदले ले रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंडिया ने भी परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, लेकिन हाँ वो ये टीम के अंदर कुछ ना कुछ कभी भी चलता रहता है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, तो उससे ऊपर मायने रखती है कि जीत जो है वो हासिल की जाइए। एपिसोड जबरदस्त था, बढ़िया था, इसमें कॉमेडी भी थी, फन भी था एंड मजा आया। अगर आपको तो लाइक करके शेयर करिए, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।